प्रकृति की जो खूबसूरती है वो कोई किसी भी वीडियोस किसी भी पिक्चर्स के थ्रू वर्णन नहीं कर सकते जिस तरीके से हम महसूस करते हैं। आज मैं आपको एक जर्मनी का ऐसा गांव जो कि एल्प्स के बहुत पास है जिसे रोमांटिक विलेज बोलते हैं वो दिखाने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। ये वीडियो देख के आप लोग सोचने में मजबूर हो जाओगे कि इतना भी सुंदर कोई गाँव होता है क्या, और इस गाँव का नाम है ओबर्स्टडॉर्फ, एक गांव जो कि एल्प्स के सबसे पास है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और आपको पीछे जो ये जो तबेला, तबेला ही बोलते हैं हमारे यहाँ, ये देख के समझ में आ ही रहा होगा कि हम कहाँ हैं। आज मैं आप लोगों को एक गांव दिखाने वाली हूँ जिसका नाम है ओबर्स्टडॉर्फ। ओबर्स का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला, डॉर्फ का मतलब मैंने पहले भी बताया है गांव। तो जर्मनी का सबसे ऊपर वाले गांव में हम हैं और इसके बाद सीधे शुरू होती है एल्प्स। चलो मेरे साथ एक्सप्लोर करो, और एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर जर्मनी का पार्ट है। जो लोग जर्मनी में रहते हैं उनको तो इसके बारे में पता है, पर ऑफ कोर्स जो लोग इंडिया से आने वाले हैं उनको शायद नहीं पता होगा। तो मैं आज आप लोगों को ये वाला गांव घुमाती हूँ। अ विलेज इन द हार्ट ऑफ अलगॉय एल्प्स। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ ये, पर हम लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे उसके लिए आप जो लास्ट पार्ट है वो देखना, और मैं आप लोगों को और भी सारी चीजें बताऊंगी जैसे कि पार्किंग का क्या प्राइस होता है यहाँ। 3 घंटे की 4.5 यूरो, और 8:30 से 6:30 बजे तक पूरे दिन की 6.5 यूरो। टैगलिश पूरे दिन की 6.5 नहीं तो 6.5। तो वैसे तो बहुत फ्री स्पॉट दिख रहे हैं, पर हम लोग सोच रहे हैं कि यार पार्किंग में ही डाल दें। तो इस तरीके की मशीन होती है। वो है ये, पर फिर भी देखो कितनी सारी कंपनीज हैं यहाँ। तो सॉफ्टवेयर तो पता ही है, सॉफ्टवेयर एंड वेक लुक मतलब डेवलपमेंट। और एक इतना हाइट पे गांव होकर भी यहां पर बहुत सारी कंपनीज थी। ये जो गांव है ये जर्मनी का सबसे सुंदर जो स्टेट है बवेरियन स्टेट उसमें है, और ये बड़े बड़े पहाड़ तो आपको दिख ही रहे होंगे। द बेस्ट पार्ट इज इसके जो नेक्स्ट तरफ है वो है इन्सबुक, ऑस्ट्रिया का पार्ट। वो वाला जो पहाड़ दिख रहा है वहां पर है लिंचस्टाइन। तो शायद कोई भारतीय लोग हमारे उस तरफ भी बैठ के, बट इंसबुक इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, बट दिस इज दिस साइड इन जर्मनी। अगर आपको जर्मनी का मॉडर्न और जो ओल्ड ट्रेडिशन है वो एक साथ देखना है तो ये विलेज जो है वो आपके लिए है। ये एक बहुत ही रोमांटिक और नेचुरल लैंडस्केप वाली विलेज है। और अभी हम एग्जैक्टली हैं मार्केटप्लेस में, मतलब मार्केट प्लेस पे जहाँ पर सारी शॉप्स होती हैं, रेस्टोरेंट होते हैं। गांव होकर भी सब कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। मैं एक बात और बता देती हूँ, पीछे फिर से आपको पहाड़ दिख रहा होगा। यहाँ से लोग वॉकिंग करके कहीं जा रहे हैं, हम भी अभी जाएंगे, पर यहाँ ये जो पर्टिकुलर प्लेस है ये हाइकिंग के लिए, स्कीइंग के लिए और आइस स्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो लोग दूर दूर से आते हैं ये सब करने के लिए, पहाड़ों पर चढ़ के और आइस स्केटिंग, स्कीइंग वो सब करते हैं। चलो अब देखते हैं, सब लोग यहाँ जा रहे हैं तो हम भी उन्हें फॉलो करते हैं और देखते हैं है क्या यहाँ पर। स्कीइंग के सारे आइटम्स मिलते हैं यहाँ पर,
जो जो स्कीइंग के लिए रिक्वायर्ड आइटम्स है। उसी रास्ते से थोड़ा ही यहाँ पर आए, यहाँ एक्चुअली में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, आई थिंक इसी टाउन के लोग या इसी गांव के लोग, सॉरी इसी गांव के लोग हैं। और पीछे ओबर्सडॉर्फ भी लिखा हुआ है और उसके पीछे पहाड़, तो आई थिंक ये सबसे अच्छा पिक्चर परफेक्ट पॉइंट हो सकता है आप लोगों के लिए, तो यहाँ आके फ़ोटो ज़रूर खिंचवाना। मैं जहाँ खड़ी हूँ उसके ठीक पीछे है चर्च, बहुत अच्छा, वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लोग बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि आज है धूप और संडे। सबसे अच्छी बात इस जर्मनी के गांव की ये है कि यहाँ पहुँच के बहुत ही लग रहा है रिलैक्सिंग, और बहुत सारी शॉप्स हैं एंड कैफ़ेज़ हैं एंड पिज़्ज़ा शॉप्स हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम आइसोलेटेड कोई जगह पर आए हैं। और जो भी जर्मनी के गांव या इस तरीके के गांव होते हैं, लोग वहां पर प्रेफर करते हैं हाइकिंग करना, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूं। और यहां पर भी लोग अपने जो हाइकिंग जो जितने भी कपड़े हैं, जूते हैं और गैजेट्स हैं, उसके साथ ऊपर जा रहे हैं। हाँ, गजब का मजा आ रहा है। ये पीछे गार्डन है शायद, ये यहाँ पे है ना? हाँ, गार्डन है, गार्डन में लोग बैठे हुए हैं साइड में सारा। और यहाँ पर जो अभी हम जहाँ खड़े थे पीछे, वहाँ पर स्कीइंग के चार्जेस भी लिखे हुए हैं कि कितने पैसों में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, फैमिली के लिए कितने में आप जा सकते हो। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, लाइक हमने तो कभी नहीं करी, बट हम नेक्स्ट विंटर में सीखेंगे। तो अभी तो खैर बंदी कर रखा है, ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, तो हमें बिल्कुल भी नहीं आती, तो अभी नेक्स्ट विंटर्स में सीखेंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि ये जो जगह है उसे वो फेमस ही सिर्फ हाइकिंग और स्कीइंग के लिए। ये जगह है जो ऑफकोर्स लॉकडाउन के कारण बंद है स्ट्रीट। हाँ, तो सैंडविच एल्गोय, ये प्लेस है उसी का, उसका कोई फेमस होगा। सो ये जगह भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब यहाँ कुछ खा सकते हो। ये कितना लंबा आदमी है भाई, घोड़े जैसा, इसको कैसे होते हैं घोड़े के पैर लगाने। और कुछ ऐसी अमेजिंग जो है चीजें भी देखने मिलेगी आपको यहाँ पे, जो मैं तो देख के शॉक हो गई कि एकदम से घोड़ा कहाँ से आ गया गांव के अंदर। रेड ब्लैक एंड देन थिएटर भी है इसमें, तो बोर हो, जैसे अगर कुछ लोग बहुत सारे दिन रुकने आते हैं तो बोर हो तो आप मूवी भी देख सकते हो। एंड बिकॉज ये बंद है, तो क्या हुआ, हमने यहाँ बैठ के सोच लिया ऐसा कि हमने जो है वो कॉफी पी है। और ये शॉपिंग स्ट्रीट से सारी की सारी
जो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि बहुत फुल रहते होंगे यार यहाँ पे, पूरे में टूरिस्ट ही घूमते रहते होंगे। स्टार्ट जैसा नहीं लग रहा, स्टार्ट जैसा एक्चुअली, और ये वाले जो घर है ना वो भी लग रहे हैं वैसे। और मैंने जैसे स्विट्जरलैंड में बोला था वैसे यहाँ पर भी है माउंटेन वाटर, ऐसा वाला फील होता है। मंदिर में ऐसे पानी नहीं पीते थे। पीछे केबल कार भी है, तो केबल कार से ऑफ कोर्स माउंटेन में जाते हैं। यहाँ पर सभी जगह ऐसा है, वहाँ पर केबल कार है। और ये जो ट्रैक दिख रहा है ना, ये एक स्पोर्ट होता है यहाँ पर, ऊपर से वो स्की पहन के, मतलब स्की क्या बोलते हैं वो लंबे वाले जो होते हैं, वही जो अभी कूद रहा था वो, नहीं नहीं वो पहन के सूट पहन के वहाँ से वैसे उड़ते हुए आते हैं, मतलब अच्छा अच्छा मैंने ट्रैक के ऊपर से जंप करते हैं ऊंचे जाते हैं जैसे अपने स्लाइड पे करते हैं, वो स्लाइड वाला। हाँ तो वो वहाँ पर दिख रहा है, अब हम थोड़ा वॉक करके जा रहे हैं वहाँ। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, टांगों की सवारी। टांगों की सवारी मतलब मैंने तो बहुत करी है बचपन में, क्योंकि मैं स्कूल जो है उसी से जाती थी। पर यहाँ देखो आप, क्या दीपक जाओगे टांगों पे इतना पैसा दे के? मैं बहुत घूमे टांगों। तो ये जो है ये यहाँ पर एक स्पोर्ट होता है स्की जंपिंग करके, ऐसे स्लाइड बनाई हुई है उसमें ऐसे जाते हैं, कभी टीवी पे देखना। उसका स्टेडियम है जो कि बोला जाता है सबसे ब्यूटीफुल है, और यहाँ के लोग को ये वाला जो स्पोर्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, हम भी कभी देखने आएंगे। और नॉर्मल लोग जैसे हम और आप जैसे लोग हैं वो ये स्टेडियम का टूर ले सकते हैं। अभी लॉकडाउन के कारण सब बंद है, बट कभी ना कभी तो सब कुछ खुलेगा, तब आप ले सकते हो। तो हम लोग हाइकिंग पे तो नहीं जा रहे हैं, पर हमने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है, क्योंकि हमने पूरा जो गांव है उसका एक चक्कर ले लिया है। पूरा परिक्रमा मार दिया हमने गोवर्धन की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जर्मनी के बारे में और भी नई चीज़ें पता चली हो, और ऐसी विलेज, एक्चुअली हम भी पहली बार आए हैं, पर वी आर शॉक्ड सीइंग दिस ब्यूटी, और शायद आपको भी अच्छी लगी हो। तो अगर हाँ तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सुरभि ने जो मुझे सिखाया फिर से बोलूंगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज ढूंढिए, तुरंत पकड़ लिया इंडिया का झंडा, सारे कंट्रीज के झंडे बिक रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर ये खुली होती तो मैं ले लेती, मुझे चाहिए होता इंडिया का झंडा। ऐसे सुंदर नज़ारों को छोड़ के जाने का तो किसी का भी मन नहीं करता, पर फिर हम लोगों को जाना था वापस। आप लोग यहाँ पर एयरबीएनबी होटल्स और बहुत सारे रिजॉर्ट्स होते हैं वो बुक कर सकते हो। और आप लोगों को अगर हमारी एक्चुअल मस्ती देखनी है तो हमारा ब्लॉगिंग चैनल जरूर फॉलो करो, क्योंकि उसमें हमने जो मस्ती करी है वो दिखाएंगे। और अब हम लोगों को ड्राइव करके अपने जो शहर है वहाँ जाना है। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर जो है वो हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा, तो जरूर करना वो।